हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सोबिया फातिमा, MBBS सेकंड प्रोफेशनल स्टूडेंट फ्रॉम नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना। एंड आज का ये वीडियो स्पेशली उन सब के लिए है जो अभी अपना 12th देने वाले हैं, बट उसके साथ ही वो नीट भी देंगे 2021 में, बट उनका 11th का पोर्शन बिल्कुल भी अच्छे से कवर नहीं हो पाया है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू कवर योर 11th अलॉन्ग विथ योर 12th। सो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, अगर 11th तुम्हारा अच्छे से नहीं गया है तो 12th में उसे कोपअप करने या उसे कवर करने में थोड़ा तो टाइम लगता है, तो उसमें थोड़ी ज़्यादा हार्डवर्क तो पड़नी ही है, क्योंकि मैंने ये सिचुएशन खुद फेस की है। सो आई कैन टोटली रिलेट टू इट। मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने पूरा बताया है कि मेरे क्या क्या मिस्टेक्स रहे हैं 11th में और फिर 12th में। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल ऑल दी टेक्निक्स जो तुम लोग अभी अप्लाई कर सकते हो ताकि तुम्हारा 11th और 12th दोनों बैलेंस रहे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात तो लोग बोर्ड्स के लिए अभी से टेंस्ड हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर तुम लोग नीट की तैयारी करोगे, इफ़ यू ऑल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट, तो साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी बोर्ड की भी तैयारी हो जाती है, क्योंकि अब पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। इसीलिए अभी फोकस पूरा नीट पर होना चाहिए, क्योंकि बाद में तुम जब बोर्ड दे दोगे ना, उसके बाद यू वोंट गेट मच टाइम टू प्रिपेयर फॉर नीट। आई हैव फेस दैट। सो अभी पूरे टाइम नीट की तैयारी करो। देखो, जब जैन स्टार्ट होगा ना, या जैन मिड से, तब आई गेस तुम लोग को पूरा फोकस अपने बोर्ड्स पर देना होगा, स्पेशली उन सब्जेक्ट में जो तुम लोग नीट में नहीं पढ़ते हो, जैसे इंग्लिश हो गई, या फिर PHE हो गई, या हिंदी, या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो तुम्हारे टोटल वो सब्जेक्ट्स में से नहीं है जो नीट के लिए पढ़ रहे हो, तो उनके लिए जैन से स्टार्ट करो पढ़ना। फिर भी उस हिसाब से देखोगे भी तो अभी तुम्हारे पास 2 मंथ है, नवंबर ही स्टार्ट ही हुआ है अभी, एंड यू हैव योर दिसंबर ऑल्सो। सो इन दीज 2 मंथ्स यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर 11th पोर्शन बेसिकली, क्योंकि जब तुम जान में स्टार्ट करोगे बेसिकली बोर्ड्स की स्टडीज़ करना, तो 12th पोर्शन तुम्हारा वहाँ से भी कवर हो सकता है, क्योंकि अब फिजिक्स एंड ऑल आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम NCERT। सो अगर बोर्ड्स की तैयारी करोगे तो सही, बट 11th के लिए तुम्हारे पास 2 मंथ है, नवंबर एंड दिसंबर। बट इसमें भी तुमको किस हिसाब से पढ़ना है, इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर 11th, जब अगर 11th में कुछ नहीं अच्छे से पढ़ा है तुमने, तो तुम अभी क्या करोगे, तुम अभी पूरा का पूरा 11th का चैप्टर एकदम हड़बड़ा के, मतलब जल्दबाजी की तरह नहीं पढ़ोगे, थोड़ा आराम से रूटीन सेट करके, जैसे इस मंथ में तुम 11th का जो पूरा बायो का पोर्शन, फिजिक्स का पोर्शन और केमिस्ट्री का पोर्शन को दो हाफ में डिवाइड करोगे, वीक पोर्शन जो तुम्हें एकदम अच्छे से नहीं आता है, और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जो तुमने 11th में थोड़ा ध्यान देके पढ़ा था, तो फिजिक्स का जो वीक पोर्शन है, केमिस्ट्री का वीक पोर्शन है, बायो का वीक पोर्शन है, वो ट्राई करो कि तुम नवंबर में कवर कर लो। हाँ, आई गेस अभी है कुछ टाइम, तो उन पर फोकस करो रूटीन बनाकर 11th के वीक पोर्शंस पे, और जो दिसंबर रहेगा उसमें तुम 11th के स्ट्रॉन्ग पोर्शन के साथ साथ 12th के वीक पोर्शन को मतलब कवर करो, समझ रहे हो ना। अभी बस 11th पढ़ो। आई गेस नवंबर में यू शुड ओनली स्टडी फॉर 11th, अगर तुम्हारा, क्योंकि मुझे लगता है तुम इस मंथ में 12th फिर भी पढ़ लियोगे, बट 11th तुम्हारा बिल्कुल कवर नहीं है, तो तुम्हें चांस नहीं लेना। अगर नीट में अच्छा स्कोर करना, यू हैव टू डू वेल इन 11th ऑल्सो, तो 11th के वीक पोर्शन को तुम पूरा नवंबर में तीनों सब्जेक्ट के अच्छे से घोर के पीजो, और दिसंबर में 11th के स्ट्रॉन्ग जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं, जो जिनका वेटेज ज़्यादा है, तुम्हें लगता है इजी है, वो तुम दिसंबर के लिए रखो, और उसमें तुम उसके साथ साथ 12th का तुम्हारा जो वीक चैप्टर है वो भी पढ़ो, ताकि तुम जान से जब पढ़ना शुरू करो, तो जान से तुम स्टार्ट करोगे पढ़ना, तो तुम इंग्लिश भी पढ़ोगे, उसके अलावा वाले सब्जेक्ट्स भी पढ़ोगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इंग्लिश कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो उसके अभी से टेंशन मत लो। उस टाइम तुम अपना 12th के बोर्ड्स भी रिविज़न करते रहोगे, और कभी कभी अगर टाइम मिला तो 11th भी। आई हैव टू गिव अ लिटिल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अन अकेडमी विच इज़ ब्रिंगिंग सुपर संडे टुमारो। प्लान योर जर्नी फॉर नीट 2021 विद एक्सपर्ट्स, लाइव सेशंस दैट नो नीट एस्पायरेंट कैन अफोर्ड टू मिस। From 12 PM, C. Pahuja will tell you how to manage boards and NEET 2021 preparation simultaneously. From 3 PM, Dushyant Kumar will tell you how to manage boards and NEET 2021 preparation simultaneously. And from 4 PM, Komal Yadav will tell you Mission NEET 2021 6-month strategy and timetable. From 5:30 PM, Gaurav Gupta will tell you Mission NEET 2021 6-month strategy. From 6 PM, Anand Mani will tell you chapter-wise study plan to score 340 marks in NEET Biology. And from 8 PM, Ishita Khurana will tell you target NEET 2021 6-month strategy by Ishita Khurana. So I have given the link in bio, you can enroll and join this live session tomorrow. Now let's come back to our topic.
बट बोर्ड्स का जब एकदम टाइम पास आ जाए उस टाइम इलेवेंथ पढ़ने की भूल मत करना, वो मैंने किया था। मैं मतलब ट्वेल्थ मेरा था मार्च में, आई गेस मिड मतलब लास्ट फेब से ट्वेल्थ का एग्जाम स्टार्ट था, और मैं स्टार्टिंग के फेब के 15 दिन तक आई गेस मैं कुछ टाइम तक इलेवेंथ ही पढ़ रही थी। उसकी वजह से क्या हुआ, ट्वेल्थ भी उतना अच्छा नहीं गया। आई मीन ट्वेल्थ में अगर अच्छा स्कोर करना है तो बोर्ड्स का पूरा फोकस रहना चाहिए, एटलीस्ट बोर्ड से एक महीना पहले से। बट हाँ, अगर ट्वेल्थ में बस पास टाइप का होना है, मेन फोकस नीट पे रखना है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक भी यू कैन गिव, ज़्यादा टाइम भी दे सकते हो इलेवेंथ को। अब इलेवेंथ को कैसे पढ़ोगे, वीक पोर्शन तुम्हें पता है तुम्हारे कौन कौन से हैं, तो उन्हें कैसे बनाओगे। ज़्यादा टाइम देने का वक्त नहीं रहा, तो तुम्हें बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करना है। जैसे तुम्हें बस जो स्पेशली जो क्वेश्चंस आए 2020 में, जिस तरह के क्वेश्चन आए, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है फिजिक्स में, फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुमसे नहीं बन रहे बार बार, कोई एक पर्टिकुलर बुक के, वो बार बार बनाना है, एक बुक पूरा सॉल्व करना है। स्टार्ट कर रहे हो इलेवेंथ तो बहुत बार प्रॉब्लम आएगा। सबसे बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि पैनिक नहीं होना है। अगर तुम लोग को ऐसा लगेगा, इफ़ यू विल फील कि बहुत कम टाइम है, बहुत जल्दी पढ़ना है, ये व्हाट आई हैव फेस्ड, मुझे कैसा लगता था कि मुझे लगता था कि बस एक महीना, मैंने एक महीने में सोच लिया था मैं पूरा इलेवेंथ कवर कर लूँगी, और ऐसा नहीं होता। एटलीस्ट 2-3 मंथ्स बहुत चाहिए अगर तुम्हें इलेवेंथ एकदम अच्छे से नहीं पढ़ा, तो मैं एक महीने में पूरा इलेवेंथ पढ़ी तो मैं कैसे पढ़ती थी, कुछ टाइम वाइम तो मतलब अच्छे से पता नहीं था। तो मैं बस क्वेश्चन करने लगी, फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री क्वेश्चन, बायो क्वेश्चन, बिना पढ़े पढ़े। और फिजिक्स के भी क्वेश्चन जो नहीं बने तुरंत से सॉल्व एग्जांपल दे देती थी कैसे बने हैं। उससे क्या हुआ कि मुझे बस क्वेश्चन रटाने टाइप से हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, कोई थ्योरी समझ में नहीं आई। लास्ट मोमेंट पे इस तरह का प्रिपरेशन से नहीं चलेगा। लास्ट मोमेंट पे टाइम दो चैप्टर को, अच्छे से पढ़ो, और हाँ पूरा ढेर सारा सिर्फ क्वेश्चन बना लोगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तुम एक दिन में 15-10 क्वेश्चन ही बनाओ, बट वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए, वो क्वेश्चन तुम्हें समझ आ जाए, ताकि आगे चल के वैसा क्वेश्चन मिले तो बना सको। ट्राई करो हर दिन एटलीस्ट 11th का बायो का 2-3 चैप्टर रीडिंग करने का एनसीईआरटी से। हर दिन 11th का बायो का चैप्टर रीड करो। अभी से 12th बोर्ड्स की टेंशन मत लो, वो अभी 2 मंथ एकदम मत लो 12th बोर्ड की टेंशन। तो अगर तुम लोग ये रूटीन फॉलो करोगे ना, तो तुम्हें कोई तरह की भी, किसी तरह की भी मिस्टेक नहीं होने वाली है तुमसे, और तुम्हारा नींद भी अच्छा जाएगा और 12th बोर्ड्स भी अच्छा जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही फॉलो करना और बहुत ज़्यादा ही डेडिकेशन से पढ़ना। ऑल द बेस्ट।